से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को दबा के पाइए हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो क्या हाल है भाइयों के, सारे मस्त? तो आपने यार देखो मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया जो हमारी हाइट वाली थी, कि मतलब R15 वर्जन 3 को राइड करने के लिए कितनी हाइट मतलब कंफर्टेबल था, क्या था, वो सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो इधर आई बटन आ रहा होगा बना हुआ, इधर या इधर कहीं भी आई रहा होगा, तो वहाँ जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, ठीक है? आज जो वीडियो हमारी है फ्रेम स्लाइडर के ऊपर। देखो आपको जैसे पता ही है यामाहा अपनी एक्सेसरीज में फ्रेम स्लाइडर ऑफर करता है, शार्क फिन वाले जो इस वाली बाइक में उल्टे लग रखे हैं, अपने नॉर्मल वाले जो इस वाली में लगे हुए हैं, ठीक है? दोनों लगभग सेम रेंज के आते हैं। यामाहा शायद 2250 रुपये का ऑफर करता है इसको, और ये भी अपने 2250 रुपये के ही हैं, तो सेम प्राइस है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कौन से ज़्यादा मतलब ठीक है इसके ऊपर करने वाले हैं हम आज डिस्कस। तो टेस्ट करते हैं उसको, ऐसे तो हमें पता नहीं है कि कौन से ठीक है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे ये जो शार्क फिन वाले हैं ये इंजन में माउंट होते हैं अपने, मैं आपको दिखाता हूँ फोकस करके, और वो वाले अपना चैसिस पर माउंट होते हैं। तो अब इसको ना थोड़ा सा टेस्ट करते हैं बाइक को गिरा के, कि क्या चीज़ मतलब पहले लगती है फ्रेम स्लाइडर हमारी, क्या क्या चीज़ बचा पा रहा है, चेक करते हैं। भाइयों देखो अभी आपको मैंने दिखाया फोकस करके, पूरा फोकस करके दिखाया कैमरे से, मतलब कैसे कौन सा फ्रेम स्लाइडर कैसे लगा हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं टेस्ट करके इसको, मतलब कौन सा फ्रेम स्लाइडर ज़्यादा हमारी चीज़ों को बचा रहा है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ अब टेस्ट करके। जैसे ये पहला जो यामाहा ऑफर करती है हमें, ठीक है, अपने एसेसरी में, ये कितना मतलब हमारी चीज़ों को बचाता है देखते हैं अब हम। देख सकते हैं यार कुछ खास यूजफुल नहीं है ये वाले फ्रेम स्लाइडर ना। ये देखो टेस्ट में इंडिकेटर भी चला गया इसका, कुछ खास यूजफुल नहीं है ये वाले। अब वो वाले चेक करते हैं अपने, जो यामाहा एसएसजी वाले फ्रेम स्लाइडर कितने हेल्पफुल थे आपने देख लिए। अब आपको दिखाते हैं ये वाले जो चेसिस में माउंट होते हैं, ठीक है? मेरे को तो यार ये वाले पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी इनको टेस्ट करके देखते हैं अब कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस पर। ये देखो अगर हमारी बाइक कभी गिरती है तो देख रहे हो आप फ्रेम स्लाइडर कितना बचा रहे हैं हमें। तो पर्सनली मेरे को तो यार ये देखो बहुत चीज बचा रही है, उस वाले फ्रेम स्लाइडर ने तो यार कुछ नहीं बचाया। और एक बार वो बाइक गिरी भी हुई है और क्या इम्पैक्ट हुआ था वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। स्ट्रेच नहीं आया, ठीक है? इसका इंडिकेटर भी देखो, और उसका तो आपने देखा है क्या हाल हो गया था, स्पेस ही नहीं बचा था ग्राउंड और बाइक की बॉडी में, क्या ही दिखाता आपको मैं फोकस करके, ठीक है? पर्सनली मेरे को तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसकी, देखो कितने मजबूत है ये, पूरा वेट
फ्रेम स्लाइडर के ऊपर है। ओह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, देखो पूरा वेट इन फ्रेम स्लाइडर के ऊपर है और फिर भी हल्का सा भी नहीं हिल रहे हैं ये, क्योंकि ये चेसिस में माउंट है। अगर आपको ये वाले फ्रेम स्लाइडर लेने हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर्सनली या मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आपको फिर भी वो वाले लेने हैं लुक्स, क्योंकि लुक्स उसके ज़्यादा अच्छे हैं लेने हैं, तो आप यामा में जा सकते हो, एज एसेसरीज प्रोवाइडेड आपको। और यार देखो फ्रेम स्लाइडर का मेन यूज पता क्या होता है आपको, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके ने फ्रेम स्लाइडर लगा रखे हो तो आपका एक्सीडेंट हो तो पूरा बचा लेगी आपको बाइक को। बट हाँ, अगर बहुत मेजर एक्सीडेंट होगा ना तो उस केस में बाइक चलने लायक कंडीशन में बच जाएगी आपकी, फ्रेम स्लाइडर से आपकी बाइक चल सकती है, क्योंकि यार आरएस से हर जगह नहीं मिलता है, तो ये उस केस में आपको बचा लेगा। तो फ्रेम स्लाइडर के लिए यार जरूर जाओ आप, ठीक है। और मेरा तो रिकमेंड आपको यही करूँगा पर्सनली ये वाला, क्योंकि मैंने लगा भी रखा है अपनी बाइक में, तो मेरे को पता है कैसा लग रहा है ये, बाकी आपकी जैसी मर्जी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मेरे को बताना